व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। टाइटल आपने पढ़ लिया है। जी हाँ, 25 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर और उसी के रिलेटेड ये व्लॉग वीडियो है जिसके अंदर मैं कुछ 25 साल की जर्नी के कुछ पल आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद उसके अंदर से आपको कुछ हेल्प हो अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना हो। 25 साल पहले तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था आज इस फील्ड के अंदर मैं आने वाला हूँ और इस फील्ड के अंदर इसको, इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँगा और प्रोफेशन को एक ऐसे लेवल पर लेकर जाऊँगा। यहाँ पर मतलब आप ड्रीम्स और इमेजिनेशंस के अंदर ही आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे 25 साल पहले बिल्कुल नहीं मालूम। 25 साल पहले टीनेजर था और टीनेजर में जिम जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर मैं बात करूँ जैन 1998, जब सलमान खान की मूवी का ट्रेलर भी उसी टाइम लॉन्च हुआ था, प्यार किया तो डरना क्या। उस समय जो जिम की फ़ीस थी आई थिंक 25 रुपये या 50 रुपये के पास थी महीने की, और जिम जो था जिसमें मैंने ज्वाइन किया, मुझे नाम नहीं मालूम उस जिम का क्या नाम था। जैसा पंजाब में बॉर्न हूँ, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हूँ, तो वहाँ पर एक जिम था और दो कमरे होते हैं ना घर के, आप पकड़ लो दो कमरे को कंबाइन कर लो, इतना जिम था। मात्र 4-5 मशीन होगी बस, दैट्स इट। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने इस 25 साल की जर्नी के अंदर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, और उसके अंदर मेरे, आपको मालूम था, मैंने बताया आपको, मेरे डैड उतना सपोर्ट नहीं करते थे और फिटनेस कोई करियर नहीं है, आज तक किसी ने कुछ अचीव नहीं किया। तो अगर मैं उस लाइन में हूँ तो इसका मतलब है कि मैं भी मतलब क्या अचीव करूँगा, एग्जाम्पल ही कोई नहीं है बताने के लिए घर में। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी की ज़िंदगी में, कभी कम्पीट नहीं किया। और बॉडी बिल्डर को छोड़ दो, बॉडी बिल्डर हमारे चंद इंडिया के अंदर बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स थे पुराने, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। फिटनेस के अंदर कोई और नाम नहीं आपके पास बताने के लिए पेरेंट्स को कि क्या नाम है। तो वो स्टार्टिंग के अंदर इसलिए फादर बोलते है कोई बता। तो मैंने डैड को बताया था कि डैड मैं पहला बनना चाहता हूँ। तो ये आर्गुमेंट रहता रहा मेरा जब मैं टीनेज से अडल्ट में पहुँचा, मैच्योर हुआ, शादी हुई, तो फादर का वो उतना काम कम हो गया डांटने का और आपकी डिफरेंट जर्नी शुरू हुई। शादी के बाद एक्चुअली मेरी जो स्पीड है, जो मेरा काम करने का फिटनेस का पैशन था, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। क्योंकि घर वालों से ताने नहीं मिलेंगे आपको, घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप शादीशुदा हो, तो वाइफ की सपोर्ट हो गई तो यू ऑल गुड। अगर वाइफ ने इग्नोर किया तो फिर तो आपके ड्रीम्स ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया। इस इतनी बड़ी जर्नी के अंदर मेरी एक चीज़ क्लियर है कि मेरा दिल और दिमाग हमेशा एक जगह रहा, तभी मैंने सक्सेस पाया है। अगर दिल कहीं और हो, दिमाग कहीं और हो, फिज़िकल आप कहीं और हो, तो सक्सेस पाना 99.9% हार्ड है, कुछ भी कर पाना हार्ड होगा। आपकी आत्मा, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका सोल एक जगह इकट्ठा बंडल बनता है तो एक इंसान के अंदर वो हर चीज़ से लड़ने की ताकत बनती है। सो एक चीज़ मैंने शुरू में थी मेरे, जब मैंने फिटनेस जर्नी शुरू की कुछ साल बाद, मुझे था कि मैं फ़िटनेस के अंदर ना अपना रेज़्यूमे बिल्ड करूँगा, जो मैं आपको एडवाइस भी देना चाहता हूँ, ट्राई टू बिल्ड योर रेज़्यूमे। उस रेज़्यूमे बिल्ड का मतलब है, वो रेज़्यूमे में क्या होता है, आपका नाम, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो रेज़्यूमे के अंदर बिल्ड मैंने की। डिग्री किसी और फील्ड में की, लेकिन जब इंटरेस्ट आपका फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट बना तो मैंने डिग्री को स्विच किया और एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस डिग्री की यहाँ कैलिफोर्निया से की। तो जब मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की तो मेरे रेज़्यूमे के अंदर डिग्री आई, रेज़्यूमे के अंदर सर्टिफिकेशंस आए, मात्र 12 सर्टिफिकेट्स मैंने किए फिटनेस के अंदर सर्टिफिकेशन की, 2 डिग्रीज है। आज अगर मैं रेज़्यूमे आप देखें और 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने था कि मैं रेज़्यूमे इतना बिल्ड करना है कि कल को जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कोई फिटनेस की, तो मैं सबसे आगे हूँ और आई कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अभी ये फिटनेस सेलिब्रिटी बनने के बारे में नहीं सोचा था, अभी सोचता कि वो रेज़्यूमे का मतलब है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जो भी आप काम करेंगे किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी में फिटनेस के अंदर, तो आप लाइन में सबसे आगे हो और आपका रेज़्यूमे आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करता हो।
बाकी आपके स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो मेरी पहले ही अच्छी थी, आई कैन कम्युनिकेट, वो मेरा फियर कभी नहीं रहा, आपने देखा ही है, वो स्ट्रेंथ है रेज़्यूमे बिल्ड हुआ, आई कैन गो सिट फ्रंट ऑफ एनी वन एंड प्रेजेंट माई सेल्फ एंड क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, ये मुझे था, तो इसलिए मैं रेज़्यूमे बिल्ड करता गया और रेज़्यूमे बिल्ड करते करते मुझे कई साल लग गए, और जैसे मिशन इंडिया फिट की तरफ बढ़ा तो वो लाइन अलग हो गई मेरी। अगर आज आप मुझे गुरुमान एक सक्सेसफुल फिटनेस सेलिब्रिटी से निकाल कर जस्ट मेरा रेज़्यूमे पढ़ लो, यू विल स्टिल सी मी कि मेरा रेज़्यूमे दूसरा इंडियन दुनिया का कहीं नहीं मिलेगा जिसका रेज़्यूमे इतना सॉलिड बड़ा हो, एंड आई कैन अप्लाई फॉर एनी बिग फिटनेस जॉब एंड आई कुल डेफिनेटली बी क्रैक द इंटरव्यू फॉर श्योर, अगर मैं फिटनेस में जो पाया है मैंने उसको निकाल दूँ, अगर मैं एक सिंपल बंदा हूँ लेकिन मेरा रेज़्यूमे सॉलिड है, 25 साल का एक्सपीरियंस 2 degrees फिटनेस के अंदर और 12 certificates है, और ये आप जब इस चीज़ को और खुद ट्रांसफॉर्मेशन, ये मसल, ये चीज़ें नहीं, मैंने कभी कम्पीट नहीं किया, बॉडी बिल्डिंग नहीं की, तो इसलिए मेरे रेज़्यूमे के अंदर बॉडी बिल्डिंग नहीं है, सो फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये मेरे फादर भी शुरू बोलते रहे हैं, मुझे लोग बोलते हैं यार कुछ, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि तू कम्पीट कर ले, यहाँ अमेरिका में शोज़ है, कम्पीट कर ले, 2008 के पास मैंने सोचा भी था, 9 के पास, उस समय फिजिक शो नहीं होते थे, आपको बताऊं ये मेंस फिजिक, ये मॉडलिंग के नहीं होते थे, बॉडी बिल्डिंग ही थी, फिजिक तो बहुत लेट आई है, फिजिक कॉन्टेस्ट बहुत लेट था, तो मैंने कहा बॉडी बिल्डर हूँ ही नहीं भाई, उस फ्रेम में नहीं हूँ, यू नो आई डोंट हैव दैट जेनेटिक एंड जीन्स फॉर बॉडी बिल्डर, दिस डिफरेंट, मैं मेसोमॉर्फ नहीं हूँ, आई एम गोना एक्टो मेसोमिक्स यू नो एंड लीन फ्रेम, तो अगर उस समय फिजिक आया होता 8 के पास तो मैं शायद ट्राई कर लेता, लेकिन फिजिक शायद 13 के पास आया होगा शायद, जो जर्मी ने कम्पीट किया था उस दौरान ये फिजिक आया। पानी है भाई, ये बॉटल ही मेरी अपनी कंपनी की है लेकिन पानी है, कोई BCA या कुछ और ड्रिंक नहीं है, इस पानी पी रहा हूँ, पानी पीते रहें ज़रूरी है। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेज़्यूमे बिल्ड करें अपना। मैंने 25 साल के अंदर आज यहाँ बैठा हूँ, मैं आज यहाँ रिटायर हो सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह रात को सोऊँ, सुबह उठूँ, सारा दिन बैठा रहूँ, कुछ ना करूँ, तब भी मेरे आने वाले 50 साल ऑलरेडी लॉक्ड हो चुके हैं, सो भगवान ने इतना मुझे दे दिया है कि आई डोंट नीड डू एनीथिंग, बट बहुत कुछ आ रहा है इस साल आपके लिए जिसमें आप सरप्राइज होंगे, यू विल लव इट, और मुझे ना पसंद करने वाली कैटेगरी मुझे लगता है बहुत थोड़ी है, दे विल बी शॉक्ड। सो 2023 बहुत बड़ा है मेरे, इस साल बहुत बहुत कुछ प्लान्स हैं जो आ रहे हैं, एंड आई विल शॉक द इंडस्ट्री 100%। जब रेज़्यूमे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फिटनेस के अंदर ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से हो, अभी एंटर किया है, करने वाले हो, तो आपको एक एडवाइस ब्रदरली दे रहा हूँ, बिल्ड योर रेज़्यूमे, आपका रेज़्यूमे बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, उस रेज़्यूमे के अंदर अगर आप ऑलरेडी, अगर आप डिग्री यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से डिग्री आपकी फिटनेस की हो, दैट वुड बी वेरी प्रेफरेबल। अगर बहुत लोग हैं जो शायद नहीं कर पाए भी, कोई और डिग्री की है, दोबारा नहीं कर सकते 3-4 साल दोबारा, या उतने फंड्स नहीं है, अभी रिसोर्सेज नहीं है, सिचुएशन ऐसी है कि दोबारा स्कूल कॉलेज जाना इंडिया के अंदर वेरी टफ है व्हेन यू आर इन सर्टेन एज, अंडरस्टैंड दैट, उस केस के अंदर गेट सर्टिफिकेशंस। मैंने सबसे पहले सर्टिफिकेशन की, कोई और डिग्री थी, सर्टिफिकेशन जब 2-3 की तो मैंने दोबारा डिग्री की, आई वॉन्ट टू लर्न मोर, कीप इन माइंड इज जस्ट डिफरेंट, मैंने आई हैव डन दैट, मैं भी आप जैसा ही हूँ स्टार्टिंग के अंदर, जो मेरा करियर शुरू हुआ, कोई और डिग्री फील्ड के अंदर डिग्री है जो दोस्तों के पीछे लगकर आपने एडमिशन ले ली, कोई फ़ायदा नहीं उसका, कंप्यूटर के अंदर की थी मैंने, हालांकि मैं अमेरिका में हूँ, मेरे फादर फोर्स करते रहे हैं कि भाई तेरे पास कंप्यूटर की डिग्री है और यहाँ सिलिकन वैली मतलब सैन फ्रांसिस्को में रहते हो और यहाँ सारा IT यहाँ बैठा है, वाई यू नॉट गोइंग IT? IT मेरा कर ली लेकिन इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के बगैर काम नहीं बनता, तो शायद मैं दोबारा, मैंने वो डिग्री पिक की फिटनेस की, तो
इसलिए अगर आपके पास कोई और फील्ड में डिग्री है तो गेट सर्टिफिकेशन। मैंने जो अमेरिका सर्टिफिकेशन की है, आप बाहर की एकेडमीज है वहाँ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड मे बी इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट कुड बी इशू फॉर सम पीपल, द टाइमिंग वुड बी प्रॉब्लम, डॉलर्स, बिकॉज यहाँ पर फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये चीज़ शायद हर एक को सूट नहीं आती। तो यू कैन डू सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी अकेडमीज है, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपका बजटिंग इशू है, क्योंकि हर अकेडमी सस्ती नहीं, काफ़ी महंगी है, सो यू कैन चेक इट आउट, मेरी अकेडमी है माई फाई इंस्टीट्यूट, जो इंडिया का कि दुनिया का सबसे चीफेस्ट प्लेटफॉर्म है फिटनेस सर्टिफिकेशन का। यू कैन ट्राई सर्टिफिकेशन फ्रॉम माई अकेडमी। मेरा अभी ऑफर चल रहा है 3 सर्टिफिकेशन कोर्स, जो कि ऑलमोस्ट 66-70,000 वर्थ करते हैं, उसकी कॉस्ट 8999 की है। मतलब एक कोर्स आपको 2999 का पड़ेगा, जो कि वे प्रोटीन के डब्बे से भी सस्ता है। इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन जो है, और साथ में हाई क्वालिटी बुक्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस है एंड ऑल लाइव क्लासेस है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, अगर आपके बजट में नहीं है, कोई और कोर्स नहीं आता, दैट्स अ बेस्ट वे यू कैन स्टार्ट विद माई फाई। और माई फाई के अंदर एक सर गवर्नमेंट का कोर्स भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेवल 4, जो एक्चुअली 80,000-90,000 का कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वो हमारी अकेडमी वो भी 11999 का है। ये माई फाई इंस्टीट्यूट है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सो बिल्ड योर रेजमे, वंस यू बिल्ड योर रेजमे देन एड एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले मेरा क्लाइंट मैं खुद था, सो आपका भी सबसे पहले आप खुद चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करेंगे, फिर आप फैमिली मेम्बर्स, यू नो, फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर। आपके पास कोई जो अगर टैलेंट है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपके पास वो टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाइए। बहुत लोग देखने वाले बैठे हैं, अप्रिशिएट करने वाले बैठे हैं, आपके साथ चलने वाले, आपको पुश करने वाले, आपको बूस्ट करने वाले बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई टैलेंट था फिटनेस का, और मैं यूट्यूब पर लेकर आया और लोगों को उसका फ़ायदा हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया, और मैं कंटेंट लाता गया, प्रोग्राम बनाता गया, और लोग सपोर्ट करते गए, और ये इस बात को भी डेकेड हो चुकी है, और उससे इंस्पिरेशन से कई लोगों ने हज़ारों लाखों चैनल्स खुले हैं। आप लोग आज सीखकर अगले 2 से 5 साल के अंदर बिजनेस के अंदर पांव रखें, जॉब पर ना डिपेंड हो, कभी भी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड, यू गॉट टू बी एंटरप्रेन्योर, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड, जॉब से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जॉब वाला बंदा आपको निकाल देगा थोड़े साल बाद, सैलरी नहीं मिलेगी, आप निकल जाएंगे। आगे के अपने ड्रीम्स, अपने फैमिली बढ़ाने के, घर, बड़ी गाड़ी छोड़ो आप, बेसिकली कार और घर और फैमिली और गुड लाइफ, जॉब्स ना गना गिव यू एवरीथिंग। रीज़न, आज सैलरी बहुत कम है और एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। पोस्ट पेंडेमिक तो अब तो आग लगी हुई है, घर के अंदर सिलेंडर बाय करना मुश्किल है, ये तो आपको मालूम है। और नौकरियां कितनी है बाहर, है ही नहीं। सैलरी कितनी है ही नहीं बाहर। तो प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम अलग था, जब आपके और मेरे पेरेंट्स 80s में 90s में के आसपास जॉब कर एक अच्छी ज़िंदगी निकालते थे, क्योंकि सब कुछ एक्सपेंसिव नहीं था। आज तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो चुकी हैं, मारामारी पड़ी है महंगाई की। तो उसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनना ज़रूरी है, क्योंकि आज के रेट को देखते हुए लगता नहीं आगे 10 साल बाद वो इजी लाइफ जी पाना आसान रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर यू क्रिएट समथिंग, लर्न, बिल्ड योर रेज्यूमे, गेट जॉब, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। वंस यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, देयर इज़ नो लिमिट। फिर कोई लिमिट नहीं है कितने पैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते, और करोड़ों रुपीस का नंबर वो इजी से क्रॉस हो जाता है आज की डेट में, हो जाता है। सो ये स्टे पॉजिटिव, आज शुरू अगर नहीं किया, बिल्ड योर रेज्यूमे। टेक केयर गुरुमान, बहुत लंबी वीडियो हो गई, ओवर एंड आउट।